SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। मुहर्रम के आयाम के सोग के एक हिस्से के तौर पर आज बतारीख 17 जुलाई बरोज़ चाशुंबा यानी कि 10 मुहर्रम के पेश नज़र तारीख़ी बीबी का अलम काफ़ी कड़े और बेहतरीन इंतजाम की ज़ेर निगरानी में निकाला गया। हैदराबाद के पुराने शहर दबीरपुरा में वाक़ तारीख़ी बीबी का अलावा से दोपहर 1 बजे हाथी पर जुलूस निकाला गया। बीबी का अलावा में शिया बरादरी के कई सारे अफराद ने अपने जिस्मों पर ब्लेड से जर लगाए हुए गहरा सोग मनाया और यहां पर आज़ादारों की कसी तादाद और सरों का समंदर भी देखा गया। बीबी का अलम जो कि दबीरपुरा बीबी का अलावा से शुरू हुआ और शेख फैज कमान अलीजा कोटला चार मीनार गुलजार हाउस पंजशाह मीराला मंडी पुरानी हवेली दारुशिफा काली खबर चादरघर तक जारी रहा और जगह जगह पुलिस के काफ़ी कड़े और बेहतरीन इंतजाम किए गए। पुराने शहर के इलाके को कड़ी निगरानी के लिए मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर दिया गया। पुराने शहर के इलाकों में पैदल गश्त करने वाली पुलिस की टीम्स और कई सारे इंटेलिजेंट यूनिट्स के अहलकारों को भी शामिल किया गया और CCTV कैमरास और ड्रोन के जरिए जुलूस की निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात और अफवाहों से बचा जा सके। पेश है इस खसूस में चंद मनाजिर। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफ़र की यह खसूसी रिपोर्ट। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपकी अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। इमाम हुसैनी के कुर्बानी के याद करते हुए आज जो यहाँ मातम में मुहर्रम का इस 10वां दिन में हम जो शामिल हुए ये बहुत अच्छा है और मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ क्योंकि ऐसे पोजिशन में हमारे शिया भाइयों के साथ इसमें भाग लिया मैंने। जैसे हर साल होता है रिवाज, इस साल भी कोतवाल यहाँ चार मीनार में जो धरती समर्पण करने का आयोजन मैं किया और पूरे बंदोबस्त का इंतजाम हुआ। तो यहाँ जो बिलीवर्स जो आए हैं मातम में जो भाग ले रहा है इस अवसर पर जो भी है उसका फजल पेश पूरे हर डिपार्टमेंट से भी यहाँ पूरा कार्रवाई हुआ है और पूरी तैयारी से है और शाम तक ये पोजीशन चलेगा हमको मालूम है। तब तक हम लोग यहाँ रह के साथ रह के इस पोजीशन को ठीक तरह से ये जो लास्ट मंजिल है आखिरी मंजिल वहाँ पहुँच के ये जो रिवाज के साथ जो पुलिंग पवित्र मातम के जो भी है उसके हिसाब से हम सब मिलके हम ये काम करेंगे। थैंक यू सर।